बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका उमर भट्ट एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं अपने व्यूवर्स को एम्पोरियम मॉल लेके जाऊंगा, वो भी लाहौर सियालकोट मोटरवे से होते हुए हम जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त आज का व्लॉग है, मेरे साथ रहिएगा। तो आइए सफ़र स्टार्ट करते हैं, दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहानल्लज़ी सहरना हाज़ा मा कुना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुबहानल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ले जी, हम मोटरवे का आगाज़ हो चुका है व्यूअर्स। तकरीबन 1 घंटे 50 मिनट में हम पहुँच जाएंगे लाहौर में मोटरवे के ज़रिए। ये ई टैग आप देख सकते हैं, आ गया टोल प्लाज़ा। ये हम ठोकर न्याज बेक पर आ चुके हैं। इस टाइम हम जोहर टाउन से गुजरते हुए एम्पोरियम मॉल जाएंगे। रास्ते में आपको मैं दिखाऊंगा जो पिज़्ज़ा, बहुत मशहूर पिज़्ज़ा है चेजियस, ये उसकी बिल्डिंग आ चुकी है। जोहर टाउन से आपने बिल्कुल स्ट्रेट जाना है तो एम्पोरियम मॉल आ जाएगा। बस कुछ ही देर में हम एम्पोरियम मॉल पहुंचने वाले हैं। लें जी, एम्पोरियम मॉल आ चुका है। सबसे पहले हम इस पार्किंग में जाएंगे, बेसमेंट इसकी पार्किंग है सारी जी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ बेसमेंट में जा रहे हैं, तमाम गाड़ियाँ यहीं पार्क होती हैं। कहीं भी जहाँ आपको जगह मिले आप पार्क कर सकते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम इंशाल्लाह एम्पोरियम मॉल के अंदर दाखिल होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एंट्री का गेट है। एंटर होते ही आपको एक्सेलेटर मिलेंगे, यहाँ से आप ऊपर चले जाएँगे। आप देख सकते हैं जी, बहुत ही प्यारा मॉल बना हुआ है, ज़रूर आप यहाँ चक्कर लगाइएगा। ये देखें एंट्रेंस पे एम्पोरियम मॉल, यहाँ उन्होंने एक डिस्प्ले रखा हुआ है पिक्चर्स के लिए, बच्चे वगैरह यहाँ पिक्चर्स वगैरह बनवाते हैं, बड़े भी। बेसमेंट पे आपको कॉफ़ी शॉप भी मिलेगी, ये आप देख सकते हैं, बड़ी अच्छी कॉफ़ी शॉप है जी ये। उसके सामने आपको बोनांज़ा भी मिलेगा, जो क्लॉथिंग ब्रांड है, ये आपको मैं दिखाता चलता हूँ। देख सकते हैं आप बोनांज़ा। ग्राउंड फ्लोर पे ही आपको कारफोर मिलेगा, वो आप सामने देख सकते हैं, ग्रॉसरी कर सकते हैं आप यहाँ, माशाल्लाह बहुत बड़ा कारफोर है ये, बहुत इंजॉयबल जगह है जी, ज़रूर आप आइएगा। अब यहाँ साथ ही लिफ्ट है जिससे हम ऊपर सीधा फूड कोर्ट पर चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको फूड कोर्ट दिखाता हूँ, ये हम फूड कोर्ट पहुँच चुके हैं। यहाँ आपको डोनट्स मिलेंगे, आपको फास्ट फूड मिलेगा, बहुत सारे खाने आपको यहाँ मिलेंगे जी। ये आप देख सकते हैं जी, डोनट्स पेस्ट्रीज़ आपको यहाँ मिल जाएंगी। इसके साथ ही जो शॉप है वो तवा चटकारा है, यहाँ आपको देसी खाने मिलेंगे, गुलाब जामुन भी आपको मिलेंगे, खीर भी मिलेगी, ये आपको मैं दिखाता चलूँ। ये आप देख सकते हैं, चाय भी आपको यहाँ मिलेगी जी। और बिल्कुल इसके साथ जो है आपको ये ग्रिल चिकन मिलेगा, बड़ा अच्छा टेस्ट था इसका, मैंने ट्राई भी किया था, ये आप देख सकते हैं। और बिल्कुल इसके साथ जो शॉप है वो टमीज़ की है, ये फास्ट फूड का ब्रांड है जी, इनके भी बड़े अच्छे यानी कह लें बर्गर्स हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सऊदी चिकन आपको मिलेगा इसके सामने, बिल्कुल मैं आपको दिखाता चलता हूँ, वो आप सामने देख सकते हैं सऊदी चिकन। ये ब्रोस्ट शॉप है जी, आपको यहाँ सिर्फ ब्रोस्ट मिलेगा और बर्गर मिलेंगे। ये जनाब, ये आप देख सकते हैं सऊदी ब्रोस्ट के नाम से इन्होंने आउटलेट है इनकी। बहुत सारी शॉप्स आपको यहाँ मिलेगी फूड कोर्ट में, जो आपका दिल करे वो आप खा सकते हैं। सिटिंग एरिया आप देख सकते हैं, बड़े आराम से पुरसकून तरीके से आप यहाँ खा सकते हैं। और मैं आपको बताता चलूँगा जो प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत इकोनॉमिकल प्राइजेज हैं यहाँ पे। अगर आप चाहें तो KFC भी आपको यहाँ मिलेगा, ये आप देख सकते हैं KFC, आप KFC भी खा सकते हैं। यानी बहुत मज़ेदार जगह है जी, ज़रूर आप यहाँ आइएगा, अपने बच्चों के साथ आएँ, बहुत इन्जॉय करेंगे बच्चे आपका। आप देख सकते हैं मॉल बहुत ही खूबसूरत मॉल है। इस टाइम मैं टॉप फ्लोर पे हूँ जहाँ पूरा फूड कोर्ट है, आप देख सकते हैं। ये आपको मैं नीचे भी दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, नीचे तमाम ब्रांड्स हैं, क्लॉथिंग ब्रांड्स मिलेंगे आपको, कॉस्मेटिक्स मिल जाएगी आपको, तमाम हर चीज़ आपको मिलेगी जो आप चाहें। तो ये बारबेक्यू टुनाइट है जी, ये भी होटल बहुत अच्छा था, ये भी फास्ट फूड है, यहाँ जूसेस आपको मिलेंगे, कॉफ़ी मिलेगी, बड़ा खूबसूरत रेस्टोरेंट है जी ये। यहाँ बच्चे या बड़े गाड़ी आप देख सकते हैं उसमें बैठ के खा रहे हैं खाना, तो आइसक्रीम भी आपको यहाँ मिलेगी। इनके पास जूसेस भी हैं, आप देख सकते हैं,
जूसेस भी आपको मिलेंगे, कॉफ़ी मिलेगी, बिल्कुल इसके साथ आपको सिनेमा हॉल भी मिलेगा। ये मैं आपको दिखाता चलूँ, बॉक्स ऑफिस के नाम से जी ये बना हुआ है, तमाम इंग्लिश और पाकिस्तानी मूवीज़ भी आपको यहाँ मिलेंगी जी, आप आके देख सकते हैं। आपको अंदर से भी मैं विज़िट करवाता हूँ, ये देख सकते हैं जी आप, बड़ा प्यारा खूबसूरत ये सिनेमा हॉल बना हुआ है। यहाँ टिकटिंग वगैरह, अगर आपने टिकट वगैरह लेनी है तो ये काउंटर बना हुआ है इधर, यानी बहुत प्यारा मॉल है। वो सामने आपको मैं लेके जा रहा हूँ अब, जहाँ बच्चों का प्लेलैंड है वो भी आपको दिखाता हूँ, बड़ा खूबसूरत प्लेलैंड बना हुआ है, बहुत बड़ा प्लेलैंड है, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे। ज़रूर बच्चों को साथ लेके आइएगा, शॉपिंग भी आप कर सकते हैं यहाँ से, और बच्चों के लिए झूले वगैरह भी अगर उन्होंने लेने हैं तो यहाँ आपको मिलेंगे जी। ये देखिए कितना माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है प्लेलैंड। और अगर आपको यहाँ आईफोन का कोई चार्जर्स वगैरह या मोबाइल फ़ोन चाहिए तो आईफोन की शॉप भी आपको यहाँ मिलेगी, मैं आपको वो भी दिखाता चलता हूँ। ये प्लेलैंड के बिल्कुल साथ ही आप सामने देखेंगे तो आपको आईफोन एप्पल ब्रांड के ये देख सकते हैं, यहाँ आपको तमाम आईफोन्स नए मॉडल के और उसकी एक्सेसरीज मिलेंगी, बड़ी प्यारी शॉप बनाई हुई है उन्होंने। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे राइट साइड पे, आपको तुर्की शाइस्तीन वाले मिलेंगे जी, बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ फन है जी, वो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, यहाँ ऊपर वाली मंजिल पे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा फूड कोर्ट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ तुर्की स्टेशन के ऊपर, ये देखें उसने तुर्की स्टेशन के नाम से बनाया हुआ है, तो आपको दिखाते हैं जी। बच्चे यहाँ बहुत इंजॉय करते हैं और बहुत इकोनॉमिकल प्राइस है, मैं 300 की फ़ोन है जी ये। अब मैं आपको ग्राउंड फ्लोर पे लेके चलता हूँ, वहाँ थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, वहाँ बड़े बड़े अच्छे ब्रांड्स हैं, ये आप देख सकते हैं। एक्सीलेटर के थ्रू हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चले जाएंगे, बहुत प्यारे मंजर है जी, बहुत प्यारा माशाल्लाह मॉल बना हुआ है, ज़रूर आप आइएगा यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं वन ब्रांड है, यहाँ थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं। ये जी पाकिस्तानी ब्रांड है, बहुत प्यारा और बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड है जी क्लॉथिंग का। नहीं जी, शॉपिंग मैंने कर ली है तो अब आपको आगे दिखाता हूँ। यहाँ जो मुनफरिद है उन्होंने साइकिल देखे डिस्प्ले में रखी हुई है, पुरानी साइकिल पेंट करके, मुझे जो बचपन अपना याद आ गया है। तो अब हम वापस चलते हैं जी ग्राउंड फ्लोर पर और इंशाल्लाह वहीं से वापसी होती है हमारी। ये देख सकते हैं हम एक्सीलेटर के थ्रू हम नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाएंगे और यहाँ से इंशाल्लाह हम वापस पार्किंग में जाएंगे। ले जी ये एग्ज़िट है जी, एंट्रेंस एक साइड पे है और एग्ज़िट जो है दूसरी साइड पे है। तो अब ये नीचे आप देख सकते हैं कार पार्किंग है सारी, तो यहाँ से अपनी गाड़ी लेते हैं और वापस बाहर निकलते हैं जनाब। ये जी आप देख सकते हैं, हमने सिर्फ बोर्ड जो फॉलो करने हैं, एग्ज़िट जहाँ लिखा है वहाँ हमने एग्ज़िट जाते जाना है, और ये C3 C4 ये आपने याद रखना है जहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। तो ये बेसमेंट से हम बाहर निकल रहे हैं। लें जी आज का जो व्लॉग था मुकम्मल, मैंने आपको एम्पोरियम मॉल दिखाया है जी। व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो व्लॉग है आपको बहुत पसंद आया होगा, पूरा एम्पोरियम मॉल मैंने आपको दिखा दिया है। एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।